ये वीडियो होने वाली है एक सीधी बात नो बकवास। हाहा मजाक था, बकवास भी होगी और इन्फॉर्मेशन भी। फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट आई हूँ, ना किसी को छोड़ने ना किसी को लेने, बल्कि खुद फ्लाइट में बैठने। क्या बात, ये बात है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एयरपोर्ट में फर्स्ट टाइम कैसे एंट्री ली जाए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लगेज चेक इन के वक्त एग्जैक्टली क्या होता है, सिक्योरिटी चेक के टाइम आपको क्या करना होता है, कहाँ से फ्लाइट में बैठना है यानी बोर्डिंग कहाँ से होती है, लगेज जो हमने चेक इन में डाला था वो वापस कब और कहाँ से मिलता है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो पहली फ्लाइट से उतरने के बाद दूसरी फ्लाइट कहाँ से मिलेगी। मैं बाबूजी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस चिलैक्स होके मेरे साथ वर्चुअली स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर देखिए। सबसे पहले मैं आई हूँ मुंबई एयरपोर्ट। वाह इतनी रईसी। नहीं भाई नहीं, ये कोई रईसी नहीं है, मजबूरी है। मैं यूजुअली हर जगह ट्रेन से ही जाती हूँ, बट इस बार फ्लाइट ली है। बाय द वे मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, सो एक्साइटमेंट भी है एंड थोड़ी टेंशन भी। टेंशन क्यों? पता नहीं सब कुछ ठीक से पैक किया है कि नहीं, बिकॉज कुछ आइटम्स आप हैंड लगेज में ले जा सकते हो एंड कुछ आइटम्स आप चेक इन लगेज में डाल सकते हो। बट सबसे पहले एयरपोर्ट के अंदर जाना कैसे है? जब भी आप किसी को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने गए होंगे आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी वाले अंकल कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, करेक्ट? उसमें कुछ नहीं होता, बस दो चीजें होती है, एक फ्लाइट की टिकट्स जो कि आप किसी भी वेबसाइट से बुक कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड 1-2 महीने पहले ही अपने टिकट्स बुक कर लेना, सस्ती मिल जाएगी। सेकंड होता है आईडी प्रूफ, इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दिखा सकते हो, बस मिल गई एंट्री। अब वक्त हो गया है अपने कंधों के बोझ को हल्का करने का, यानी अपना जो मेन लगेज है बड़ा वाला बैग, उसको आपको चेक इन में डालना होता है। वैसे एज अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर मुझे भी नहीं पता था कि इसकी लाइन कहाँ होती है। मैंने अपने टिकट एक यूनिफॉर्म वाले को दिखाई एंड पूछा कि कहाँ जाना है। मेरी फ्लाइट इंडिगो की थी तो एक ऑफिशियल ने बताया कि उस तरफ जाओ। वैसे वहाँ पर बड़ा बड़ा इंडिगो लिखा भी था, बट फिर भी मैंने पूछ लिया, मतलब क्या ही दिक्कत है, पूछ लेना चाहिए। बस वहाँ पे भी आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना है, अपनी टिकट दिखानी है एंड अपना लगेज उस वेट मशीन के ऊपर रख देना है। जो आपका मेन लगेज होता है ना, उसका यूजुअली बेसिक लिमिट होती है 15 kgs एंड जो हैंड लगेज होता है उसका लिमिट होता है 7 kgs। अगर दोनों में से कुछ भी एक्सीड होता है तो पर केजी आपसे कुछ 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे। बाय द वे जैसे ही आप अपना मेन लगेज हैंड ओवर करेंगे ना, वो आपको देंगे एक बोर्डिंग पास। मेन लगेज डालते के साथ मुझे काउंटर वाले भैया ने ही बता दिया कि सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन वहाँ है एंड मैं सीधा सिक्योरिटी चेक पे नहीं गई। क्यों जाऊँ? मैंने दूर से ही लंबी वाली लाइन देख ली थी, मतलब इस लाइन को स्किप करने का तो कोई तरीका नहीं है, बट इसके लिए पहले से तैयारी की जा सकती है, यानी आई वुड हाईली रिकमेंड टू डू टॉयलेट के दर्शन। इससे आपको सिक्योरिटी लाइन में खड़े होने से गुस्सा कम आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बाय द वे सिक्योरिटी चेक ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, सो आपको वही करना है जो आपके आगे वाला इंसान करेगा, बिकॉज मेरे पास कुछ ज्यादा फुटेज है नहीं आपको दिखाने के लिए। बट फिर भी मोटा मोटी बात यही है कि वहाँ पे ना कुछ प्लास्टिक की ट्रेज रखी होती है जिसपे आपको अपना सब कुछ यानी सब कुछ निकाल के रख देना होता है। बैग में से लैपटॉप पावर बैंक हेडफोन्स यूएसबी केबल, अगर अपने कमर में कोई बेल्ट लगाई हुई है तो उसको भी आपको निकाल के रख देनी है, हाथ से वॉच भी निकाल देनी है बस। उसके बाद जैसे ही मॉल में हमारी एक एक करके चेकिंग होती है ना, वैसे ही आपको चेक किया जाएगा। अगर आपकी जेब में कुछ भी रह गया, चाहे वो कॉइन्स भी क्यों ना हो, सब कुछ निकाला जाएगा। आपका बोर्डिंग पास एक बार देखेंगे एंड फिर आपको शक की नजर से देखेंगे और फिर बोलेंगे ठीक है जाओ। सिक्योरिटी चेक के बाद ना आपको अपनी फ्लाइट में जाना होता है, बट कैसे? तो जैसे ट्रेन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वैसे ही फ्लाइट के अलग अलग गेट्स होते हैं एंड ये गेट नंबर हर फ्लाइट के साथ बदलते रहते हैं। सो बोर्डिंग पास पे आपको देखना है कि आपका गेट नंबर कौन सा है। उसके बाद आपको एक मैराथन कंप्लीट करनी है। हाँ बाकी एयरपोर्ट का तो पता नहीं, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे आपको अच्छा खासा चलना पड़ेगा। बट जाना कहाँ है कैसे पता चले? ऊपर देखो, नहीं नहीं सीलिंग नहीं देखनी है, ऐसे बोर्ड आपको मिल जाएंगे
उस पर पढ़ना 3260 नंबर गेट लेफ्ट में है एंड आपका गेट नंबर 35 है, तो ऑब्वियसली आपको भी लेफ्ट टर्न हो जाना है। बट अगर अब भी आपको समझ ना आए, सबसे पहले घबराना नहीं है, किसी भी यूनिफॉर्म वाले को अपना बोर्डिंग पास दिखाओ एंड पोलाइटली पूछो कहाँ जाना है। मैं पढ़ते हुए जा रही थी इन बोर्ड्स को, बट फिर भी पूछते हुए भी साथ साथ चल रही थी कि भाई मैं सही तो चल रही हूँ ना। वो लोग काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। वैसे आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जो 2 घंटे पहले बुलाते हैं ना, वो यही जगह पे बैठने के लिए आपको बुलाते हैं, ताकि आप बोर होते रहो और एयरपोर्ट वालों के कैफेज वगैरह से कुछ ना कुछ खरीद के खा लो। जोक्स अपार्ट, वैसे कभी कभी एंड टाइम पे ना आपका गेट नंबर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे अपने कानों में ना हेडफोन्स लगा के मत बैठना। हर अनाउंसमेंट पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो। अब थोड़ी सी लगेज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कभी ट्रैवल नहीं किया प्लेन से, तो सीधी सी बात है कि जो मेन लगेज है, जो आपका बड़ा वाला बैग है ना, उसके अंदर पावर बैंक, कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप या कोई भी फ्रेजाइल आइटम नहीं रखनी है। ये सब आइटम्स अपने हैंड लगेज में लेके जाइए। अब बात आई हैंड लगेज की, तो इसमें परफ्यूम ले जाना अलाउड है, बट 100 ml से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते हो। पावर बैंक भी अलाउड है, बट 100 WH से ज्यादा अलाउड नहीं है। बस अपने पावर बैंक को पीछे घुमा के देखिए, वहाँ जो छोटे छोटे राइटिंग्स के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, वहाँ पे लिखा होगा 100 WH या 75 या 80 WH। तो सारा के सारा गेम इसी का है, पावर बैंक से रिलेटेड, चाहे वो 30,000 mAh का हो या 20,000 mAh का। अगर आपका 100 W अगर ये एक्सीड हो जाता है, तो आपको अपना पावर बैंक एयरपोर्ट के ऊपर ही छोड़ देना पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस बिफोर परचेजिंग एज वेल। यू शुड ऑलवेज चेक कि पावर बैंक के पीछे क्या लिखा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अनु मलिक बनने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि माचिस, लाइटर, कोई भी चीज आग लगाने के लिए आप नहीं ला सकते हो। कोई भी फ्लेमेबल आइटम्स प्लेन में लेके आना अलाउड नहीं है। मैंने इतने सारे लोगों को अपना लाइटर हैंड ओवर करते हुए देखा है ना, क्यों भाई, लाए ही क्यों थे। यहाँ तक तो आपके नॉर्मल फ्लाइट की डिटेल्स ही थी, बट अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो आपको एक नहीं 2 बोर्डिंग पास दिए जाएंगे। फर्स्ट वाले पे लिखा होगा आपका गेट नंबर एंड सेकंड वाला होगा ब्लैंक। मेरी फ्लाइट है मुंबई टू चंडीगढ़ वाया दिल्ली, यानी मेरा ले ओवर दिल्ली में है, बट जो मेन लगेज है वो मैंने मुंबई से डाला है, वो मुझे डायरेक्टली चंडीगढ़ में ही मिलेगा। दिल्ली में मुझे दोबारा से सामान डालने का कोई टेंशन नहीं होगा, बट सिक्योरिटी चेक दोबारा से होगी, यानी वही लैपटॉप वगैरह ट्रे में निकाल के रखो एंड एवरीथिंग। सो दिल्ली पे उतरने के बाद, यानी जहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है, मेरा टर्मिनल था 2। मुझे ये नहीं पता था, मैंने उतरने के बाद ही किसी यूनिफॉर्म वाले से पूछा है। बाय द वे, मैं बार बार ये यूनिफॉर्म की बात इसीलिए कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी फेलो पैसेंजर को जाके परेशान कीजिए, बिकॉज काफी लोग ना आपको रूडली जवाब भी दे सकते हैं। एंड मैंने नोटिस किया है कि फ्लाइट में लोग ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते कम्पेयर टू ट्रेन जर्नीज। शायद ज्यादा पैसा देने के बाद लोग स्माइल करना भूल जाते हैं। इसे ना यू आर ऑल्सो गोइंग बाय फ्लाइट एंड नॉट ट्रेन, चुप। इसके पीछे एक रीजन है, वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट की डिटेल्स देखो। सो बिकॉज मेरा टर्मिनल अलग था जिस टर्मिनल पे लैंड हुई थी उससे, सो मुझे लेनी पड़ी ये शटल बस, जिसका चार्ज किया गया 40 rupees। मुझे तो लगा था कि लेडीज के लिए दिल्ली में ट्रैवल फ्री है, बट बाद में पता चला कि बस गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ही फ्री है, जैसे कि गवर्नमेंट की बसेस हो गई या मेट्रो। एनीवे, ये वाली थी प्राइवेट शटल बस, जिसके लिए वो सभी से चार्ज करते हैं 40 rupees। वैसे टर्मिनल 2 वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, बट हाय गर्मी, एयरपोर्ट से निकलते के साथ ही ऐसी गर्मी मुझे लगी है भाई। मतलब मैं खुद मुंबई से हूँ, लेकिन जो दिल्ली की गर्मी है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। एनीवे, ये जो शटल बस थी ना, ये T2 से होते हुए गुजरी, बट मुझे नीचे नहीं उतारी। पहले गई मेट्रो स्टेशन एंड फिर यू टर्न लिया एंड देन मुझे ड्रॉप किया T2 पे। ओके सॉरी। मतलब पैसेंजर्स को भी 40 rupees अपने वसूल लगने चाहिए ना। शटल बस इससे हमें लाके छोड़ी है यहाँ पे, और यहाँ से जाना है ऊपर, ऐसा हमें अंकल ने बताया है। अब हम जाएंगे ऊपर। आ चुकी हूँ T2 पे। ओके सॉरी। अब यहाँ पे मैंने देखा T2 बिल्कुल सामने, बट पता नहीं था कि कौन से गेट से अंदर एंटर हो सकते हैं।
तो मैंने दोबारा से पूछ लिया कि अंकल कहाँ से जाना है। बोर्डिंग पास तो ब्लैंक है। उन्होंने कहा कि अभी टेंशन ना लो, आईडी कार्ड दिखाओ, टिकट दिखाओ एंड अंदर जाओ, सिक्योरिटी चेक कराओ एंड फिर टेंशन लो, फिर अंदर जाके पूछो कि कहाँ पे जाना है। मैंने अंकल की बात फॉलो की, सिक्योरिटी चेक किया और फिर मुझे अंदर ऑफिसर ने बताया कि सीधा सीधा चले जाओ एंड बोर्ड पे इंस्ट्रक्शंस देख लेना। तो अगर जो बोर्डिंग पास है उसके ऊपर अगर गेट नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे जो बोर्ड होता है उसके ऊपर आपको चेक करना है। इसे मैं अभी आपको बताती हूँ। ये है फ्लाइट नंबर, ये आप पढ़ के देख सकते हो कि आपका गेट नंबर क्या है एंड स्टेटस क्या है। सो मेरा है चंडीगढ़ का, 2 मिनट्स टू गेट चलने का टाइमिंग है एंड मेरी जो फ्लाइट है वो है 3 बजे की एंड अभी आई गेस कुछ 12:30 हुए हैं। सो यहाँ पे फूड कोर्ट है, मैं यहाँ पर जाके कुछ खा सकती हूँ। चलो आपको यहाँ पर फूड कोर्ट भी दिखाओ। तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट इज ऑल्सो प्रिटी ह्यूज। मानी भाई क्या ही हो, मुझे भूख लग गई है। बाय द वे यहाँ पे भी खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं एंड ऊपर फूड कोर्ट है। सो पहले मैं ऊपर वाले में जाके देखती हूँ कि ऊपर खाने के लिए क्या क्या है, अदरवाइज़ नीचे तो मैंने देख ही लिया, पिज्ज़ा हट तो नीचे है ही एंड थोड़ी बहुत और दुकानें हैं खाने के लिए। देखते हैं पहले ऊपर फूड कोर्ट में जाते हैं। ऊपर वाले में KFC है, मैंने ये चीज़ नोटिस की थी। सो मे बी मैं KFC खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी। मैं घर से सुबह निकलने से पहले मैंने कुछ ना कुछ खाया हुआ था। सो यू कैन इमेजिन हाउ हंग्री आई एम राइट नाउ। सो वहाँ पे है 35 गेट नंबर एंड ये है फूड कोर्ट। ये लाउंज है जिसका एक्सेस फ़िलहाल तो नहीं मेरे पास, बट नेक्स्ट टाइम पक्का लेके आओगी इसका एक्सेस एंड आपको लाउंज भी दिखाओगी। तो मैंने लंच के लिए स्पॉट किया KFC जिसका प्राइस ऑफ कोर्स रेगुलर KFC से ज्यादा था, बट व्हाट एल्स यू कैन डू व्हेन यू हंगरी। सो मैंने ऑर्डर किया, सीट पकड़ी, थोड़ा काम किया, फिर मैंने वहाँ के हेल्पर से पूछा कि मैं अकेली हूँ, क्या आप मेरे लैपटॉप का ध्यान रख सकते हैं, मैं तब तक खाना लेके आ जाऊंगी। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैडम सब जगह CCTV कैमरे लगे हैं, आप बिंदास जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं भी बिंदास चली गई एंड कुछ भी नहीं हुआ। हाँ फिर मैं आई, लैपटॉप बंद किया एंड दबा के चिकन खाई। बाय द वे जब मैं वापस आई ना तो सामने सीट पे एक शख्स बैठे हुए थे जिनसे मेरी बातचीत हुई, तो पता चला कि वो एक नेवी ऑफिसर है एंड वो चंडीगढ़ के ही है। जब उन्हें पता चला कि मैं फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ जा रही हूँ एंड सोलो ट्रैवलर हूँ, तो उन्होंने फौरन अपना विजिटिंग कार्ड निकाला एंड मुझे कहा कॉल मी इफ यू नीड एनीथिंग। मतलब इन नेवी वाले अंकल से बड़ा मुतासर हुई मैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी कंपनी से ही आप महफूज फील करने लगते हो, बस वही वाली वाइब थी इन अंकल की। बाय द वे उन्होंने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया, बीवी बच्चे, कुछ रिलेशनशिप की मुझे एडवाइस भी दी। मुझे लगता है सोलो ट्रैवल करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, कब कौन कहाँ मिल जाता है और क्या नया सीखने को मिल जाए क्या ही पता। यही अगर मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठी होती तो शायद ये कन्वर्सेशन कभी स्ट्राइक ही नहीं हुई होती। बाय द वे एक टिप है, जब भी आप फूड कोर्ट या लाउंज में जाओ ना खाना खाने के लिए, तो उससे पहले अपना गेट देख के आना, क्योंकि आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको कितना ज्यादा चलना है फूड कोर्ट से। फॉर इंस्टेंस मुझे 10 मिनट तक चलना था टू माई गेट नंबर एंड वहाँ पे भी लाइन थी टू बोर्ड, सो अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा जल्दी ही निकल गई। बस मैं निकली बोर्डिंग एंड लैंड हो गई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, बट वेट सामान कहाँ है। फ्लाइट जैसे ही लैंड होती है ना एक अनाउंसमेंट होगी कि कौन से बेल्ट पे आपका सामान आएगा, उसको ध्यान से सुन लेना, कानों में हेडफोन्स लगा के मत बैठना। वैसे आप अपने को पैसेंजर से भी ये बात पूछ सकते हो कि कौन सा बेल्ट नंबर बोला गया है इनकेस आपसे सुनना मिस हो जाए। बस फिर जहाँ सब लोग जा रहे हैं उनके साथ साथ चलते हुए बेल्ट पे चले जाओ एंड वहाँ से अपना लगेज लेके टाटा बाय बाय बोल दो। वैसे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है मनाली, सो चंडीगढ़ में मेरे पास है 6 घंटे। अब भाई चंडीगढ़ आई हूँ एंड 6 घंटे है हाथ में, सो ऑब्वियसली मैं ऐसी तो नहीं बैठने वाली हूँ। सो उन 6 घंटों में मैंने क्या क्या किया वो आपको दिखाने वाली हूँ अगले वीडियो में। और हाँ, मैंने फ्लाइट क्यों ली, ट्रेन क्यों नहीं, ये भी आपको अगले वीडियो में ही बता दूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। सो अभी के लिए चलो टाटा बाय बाय, लो चली मैं।